हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी के 14 वीक के बारे में, यानी कि आपका अभी 14वां सप्ताह चल रहा है। और प्रेगनेंसी का यदि हम महीने की बात करें तो आपका चौथा महीना, फोर्थ मंथ आपका चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके साथ क्या क्या होगा, आपके बॉडी में कौन कौन से चेंजेस नए आएंगे, आपके बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पर है, उसके अंदर क्या क्या नया डेवलप हो रहा है और आपका बेबी अंदर क्या कर रहा है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी ईजी रहे उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपको मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम पहले बात करते हैं इस वीक में आपके बेबी के साथ क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं आपके बेबी की हाइट से, यानी कि अभी आपका बेबी कितना बड़ा होगा। उसकी हाइट की हम बात करें, उसकी लेंथ की बात करें, तो वो 8 से 10 सेंटीमीटर तक आपका बच्चा अभी है, यानी कि इतना उसका टोटल लुक करेंगे तो इतना एक आपकी बंद मुट्ठी जितना वो होगा, ऑरेंज जितनी साइज उतनी होगी अभी। और उसके वेट की बात करें तो वो 50 से 60 ग्राम के बीच होगा। यदि आपके बच्चे की हम डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर उसके सारे ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं पहले 3 महीने में, अभी उस सारे ऑर्गन का ग्रोथ हो रहा होगा। उसके इंटेस्टाइन अच्छे से काम करेंगे, सकिंग मूवमेंट आ जाएगी, फेशियल एक्सप्रेशन, हाँ उसको सोनोग्राफी में आप देख नहीं पाएंगे लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन आपका बच्चा भी अंदर बना रहा होगा, जैसे कि सैड, हैप्पी, ये सारे एक्सप्रेशन, यानी कि इसके जो फेशियल मसल होते हैं वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो एंजाइम खाना पचाने के लिए बनते हैं वो सारे बनना स्टार्ट हो गया है। उसमें मेकोनियम यानी कि स्टूल बनने की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि ये स्टूल जब वो उसका बर्थ हो जाएगा उसके बाद पहली बार पास करेगा, लेकिन अंदर मेकोनियम धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएगा अभी। उसके वोकल कॉर्ड यानी कि यहाँ पर बोलने के लिए जो कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड भी डेवलप हो चुके हैं। उसके ईयर भी यानी कि वो बोलने के लिए, उस सुनने के लिए तैयार है आपका बच्चा, यानी कि उसकी तैयारी अभी चल रही है। उसके माथे पे भी अब बाल आ गएंगे, यानी कि हेयर फॉलिकल्स सारी बॉडी में उसके डेवलप हो चुके हैं, माथे पे, हाथ पे, पैरों पे, सारी जगह पर उसके हेयर्स आ चुके हैं। और ये हेयर के अभी बहुत ज़्यादा थिक होगा। कई बार आपने देखा होगा बच्चे जब बर्थ होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा हेयर का एक लेयर जैसा होता है, कहीं बच्चे में बिल्कुल हेयर नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कितना वेट है उसका बर्थ पे। ये अभी जो हेयर होगा वो अभी पूरी बॉडी पे बनना स्टार्ट हो जाएगा और वो एक कवच की तरह काम करेगा, उसको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसकी बॉडी की, छोटे बच्चे की। लेकिन जैसे जैसे आगे के महीने बढ़ेंगे, 8वें 9वें महीने में उसका वेट गेन होगा, फैट गेन होगा, उसके अंदर फैट डिपॉजिट होगी, तो ये धीरे धीरे निकल जाएगा उसके ऊपर से। कई बार प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है तो उसमें ज़्यादा हेयर देखने को मिलते हैं बच्चे में, तो ये हेयर फॉलिकल्स भी डेवलप हो जाएगी उसकी बॉडी पे, हाथ पे, सारी जगह पर बाल आ जाएंगे। और वैसे आपका बेबी अभी अच्छे से मूवमेंट भी करता होगा अंदर, पोजीशन भी चेंज करता होगा, आपको फील होगा 5वें महीने बाद, लेकिन अंदर उसके सारी मूवमेंट हो रही है। आपके साथ क्या हो रहा है ये बात करें तो आप अभी काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे होंगे, क्योंकि पहले 3 महीने में आपके अंदर नए नए हार्मोन आए थे, नए हार्मोन्स आपकी बॉडी में सेट हुए थे, उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम आपके अंदर दिख रहे थे। अब आपकी बॉडी उसके साथ सेट हो गई है। अब आपको इस महीने में यदि सिम्टम की बात करो तो शायद कोई सिम्टम ना भी हो, बीच के 3 महीने आपको प्रेगनेंसी एंजॉय करनी है, तो कोई भी नए पर्टिकुलर सिम्टम नहीं होंगे। और नोजिया, वोमिटिंग वगैरह, खाने रिलेटेड जो तकलीफ थी वो भी अब बंद हो गई होगी। 4-5% ऐसी लेडीज़ होती है जिसको अभी इस महीने भी नोजिया वोमिटिंग कंटिन्यू रहती है, बाकी ये सारी नोजिया वोमिटिंग की तकलीफ चली जाती है, खा सकते हैं, डाइजेस्ट भी होता है। हाँ, उसको गैस, एसिडिटी बनने की, कब्ज बनने की तकलीफ रहती है। तो कब्ज को तकलीफ रहती है यदि आपको स्टूल अच्छे से पास नहीं होता, हार्ड स्टूल होता है, दिन में तो 2 या 3 बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। यदि आपको ये सारी तकलीफ होती है तो आप देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। आधा कप पानी करके उसके अंदर आधी चम्मच या 1 चम्मच आप देसी घी, गाय का देसी घी डाल दीजिए, वो पी जाइए, तो इससे आपका जो मोटिलिटी है इंटेस्टाइन की वो अच्छे से बनी रहेगी और आपको कब्ज की, गैस, एसिडिटी की, खाना अपचन की कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर सकते हैं।
आपके बेबी बम्प की बात करें तो अच्छे से विजिबल होगा, उसकी जो राउंडनेस है वो भी दिखने लगेगी। शायद आपको अपने आपके कपड़े भी चेंज करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके ये भी ओवरऑल वेट गेन भी होगा, बेबी बम्प भी बढ़ेगा। और हाँ, बेबी बम्प जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहाँ पर स्ट्राया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और स्ट्राया एक बार डेवलप हो जाए उसको ट्रीट करना नामुमकिन जैसा बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उसको अच्छे से आपकी बेबी बम्प की केयर कीजिए, वहाँ पर ऑयल मसाज कीजिए सुबह नहाने के बाद, रात में नहाने के बाद सोने से पहले। तो ये बेबी बम्प पे आप अच्छे से ऑयल मसाज करेंगे, स्ट्राया डेवलप ही नहीं होंगे। यदि वहाँ पर आपको इचिंग की तकलीफ ज़्यादा हो रही है तो वो ड्राइनेस की वजह से है, स्किन जो खिंचती है आपकी तो वहाँ पर पतली हो जाती है, तो वहाँ पर इचिंग की तकलीफ भी आपको हो सकती है। यदि आपको इचिंग ज़्यादा आ रही है तो आप दिन में 3 बार भी ऑयल लगा सकते हैं। दूसरा, मुझे कई सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पेट में दर्द बना रहता है, वहाँ पर खींचा हुआ तनाव महसूस होता है, तो अंदर मेरा बच्चा ठीक है या नहीं, उस दर्द को लेकर मुझे कोई टेंशन लेना चाहिए या नहीं। तो उसके 2 रीज़न होते हैं पेट में दर्द के लिए। एक होता है गैस एसिडिटी, यदि आपको गैस रहता है, एसिडिटी रहती है, कब्ज रहती है तो भी उसकी वजह से आपको पेट में दर्द रहेगा। दूसरा होता है राउंड लिगामेंट पेन, यानी कि आपके बच्चेदानी को, यूट्रस को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर लिगामेंट्स होते हैं। अब जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, आपके यूट्रस की साइज बड़ी होगी, वैसे वैसे लिगामेंट में तनाव महसूस होगा, उसको स्ट्रेचिंग फीलिंग आएगी। तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। यदि आपको पेट में दर्द हो रहा है वो बिल्कुल मेंसेस आने से पहले जैसा दर्द हो रहा था या मेंसेस के दौरान जैसा दर्द हो रहा था वैसा दर्द हो तो आपको गायनेक को कंसल्ट करना चाहिए, वरना सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर खिंचाव तनाव हो तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। यदि हम आपके ब्रेस्ट ग्रोथ की बात करें तो ब्रेस्ट भी अभी ग्रोथ होगा उसका, उसकी साइज भी बढ़ेगी, लेकिन वहाँ पर पेन था, जो टेंडरनेस बनी रहती थी वो अब नहीं रहेगी। और उसकी साइज जैसे बड़ी होगी वैसे अपनी ब्रेसियर की साइज भी चेंज करते रहना, वरना वहाँ पर आपको दर्द जैसा, तनाव जैसा ज़्यादा फील होगा। और आपको इस महीने में क्या करना है, आपको आपकी इम्यूनिटी लो होगी जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही कॉमन है, तो अपना स्पेशल ध्यान रखना है। बाहर जाने से पहले अच्छे से अपने आप को कवर कीजिए, सैनिटरी जितने भी प्रिकॉशंस ले सकते हैं उतना लीजिए, क्योंकि एक बार आपको इन्फेक्शन लगेगा तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जो दवाई होगी वो बहुत ही लिमिटेड होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ दवाइयाँ नहीं भी ले सकते। तो अपना खास ध्यान रखें ताकि आपको कोई भी इन्फेक्शन का सामना ना करना पड़े। यदि आपको यूरिन में कोई भी दिक्कत हो रही है, जैसे कि बार बार यूरिन जाना नॉर्मल है लेकिन वहाँ पर आपको यदि बर्निंग हो रही है, नीचे के पार्ट में आपको इचिंग आ रही है, वहाँ पे सूजन आ गई है, बार बार वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो भी आपको टेंशन लेना चाहिए, वरना प्रेगनेंसी में नॉर्मल पतला थिन पानी आए वो नॉर्मल है। और इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बोलना मत भूलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो पहले लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।